हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहांगीर आर्ट गैलरी में और हमारे साथ है आर्टिस्ट मधु मैम जो कि जयपुर से आए हुए हैं और हम जानेंगे उनके पेंटिंग के बारे में एंड उनके जर्नी के बारे में। तो मधु मैम, आपकी जर्नी कैसे रही, आप कैसे आर्टिस्ट बनना स्टार्ट किया आपने, कैसे आपके मन में आया कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है और इस फील्ड में कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने मेरी आर्ट जर्नी को थोड़ा समझने की और जानने की कोशिश की। तो ये एक कह सकते हैं कि ये मेरे बचपन का मतलब एक मेरे मन में जो विचार घूमते रहते थे ना, वो बचपन की ही मेरे थॉट जर्नी है। मैं बचपन से ही बोलना चाहूँगी, बट तब मुझे पता नहीं था कि मैं अपने थॉट्स को उन सबको कैनवस मतलब कहाँ उतारूँ, कैसे लोगों को दिखाऊँ। फिर मैं जैसे जैसे बड़े होते गए, आगे आगे बढ़ते गए, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, पेंटिंग भी एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं लोगों तक अपने थॉट्स पहुँचा सकती हूँ। तो आज ये जो मेरा सोलो, मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना एक सोलो किया है, इसमें मैंने जितनी भी पेंटिंग्स लगाई है वो मेरी एक पूरी जर्नी, एक लॉन्ग लाइफ जर्नी बनी, पूरी रिलेट करती है। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, हर पेंटिंग एक वाक्य बताती है, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना जुड़ी हुई है। तो जैसे कि आप ये पीछे देख पा रहे हैं, ये पेंटिंग है प्लेइंग चेस। तो ये एक ट्रेन का एक सीन है कि मतलब लोग है ना, ये दो लोग ट्रेन में बैठ के, मेरे सामने की बात है कि वो लोग बैठ के और अपनी लाइफ जर्नी को जो है वो इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ ये रिलेट करता है कि हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है ना, हम उसको एक ट्रेन की जर्नी की ही तरह अगर समझ के चले कि वो हमारी जो लाइफ है वो ट्रेन की तरह ही चल रही है, वो ऐसे ही निकलनी है, तो क्यों ना हम उसको खेलते खेलते इंजॉय करते हुए करें। तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारी लाइफ से भी बिलोंग करती है और ये पॉजिटिव मैसेज भी देती है कि हमें लाइफ को एक अपने स्ट्रगल्स को या जो भी है लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको परेशान ना होकर उसको एक खेल की तरह इंजॉय करते हुए उसको मूव ऑन करना चाहिए। तो ये इस कहानी का है, ऐसी हर कहानी, हर पेंटिंग एक कहानी कहती है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है और आप मेरे काम के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके भी जय देख सकते हैं। थैंक यू। तो मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि आप कितने इयर्स से ये आर्ट कर रहे हो? बिकॉज मैंने आपके देखा आपकी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, इट्स लाइक अनकाउंटेबल। सो आई वांट टू नो कि आप कितने इयर्स से पेंटिंग कर रहे हैं एंड मैंने देखा आपकी जो पेंटिंग है उनके कंटेंट्स भी अलग है, सेम नहीं, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक नीश कंटेंट होता है, बट आपकी कंटेंट्स अलग है, तो दोनों के बारे में आप मुझे बताइए। मैं ये कोई कह तो आप इसे बचपन से सकते हैं, लेकिन जब से मैंने इस कैनवास को पकड़ा है वो करीब आप 7-8 साल मान लीजिए, ये उतनी ही जर्नी है जब से मैंने कैनवास पे अपने थॉट्स को, अपनी जर्नी को उतारना शुरू की है। तो उसको मैंने 2014 में मैंने जैसे तैसे अपना सबको छोड़ के अपनी पढ़ाई पेंटिंग में ही करनी शुरू की, कि एम ए किया मैंने और अभी मैं अपना PhD भी पेंटिंग से ही कर रही हूँ, उस पर ही आगे रिसर्च चल रहा है मेरा, और तब से ही मेरी जर्नी शुरू हुई। तो आप इसको 7-8 साल से कह सकते हैं। थॉट्स मेरे बचपन से ही चल रहे थे माइंड में, लेकिन वो तरीका नहीं पता था कि लोगों के सामने कैसे लाऊं, और आज आप सबके सामने हैं। वो कंटेंट तो देखो, मैं कभी भी एक ही चीज़ को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हुई कि भाई एक मैंने तरीका सीख लिया बनाने का और मैं उसी पर बनाई जा रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे लोग और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्यों ना मैं उस एक, हम लोग ये जो टाइम ट्रेवल चल रहा है, मैं एक टाइम ट्रेवल को प्रेजेंट कर रही हूँ। टाइम ट्रेवल प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई स्टाइल को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी देखो आज से 100 साल बाद अगर मेरी पेंटिंग बच रहेंगी तो जो उस टाइम में जो लोग देखेंगे मेरी पेंटिंग को, वो कहीं ना कहीं हमारे आज के प्रेजेंट टाइम को देखेंगे कि उस टाइम में भाई ये क्यों बनाई पेंटिंग। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है लोग उसको आगे चल के देखें, क्योंकि बिना कंटेंट के या बिना कोई थॉट्स के आप बना रहे हो तो फिर उसको लोगों को क्या पता है क्यों बनाया, क्या बनाया। तो भगवान, सब लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेरा कहने का ये था कि मैं कुछ तो हटके करूँ, तो मेरा ये है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो भी चल रहा है। तो आगे फ्यूचर में जो लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि भाई 2020 में ऐसा होता था, अगर ये पेंटिंग तब की बनी है तो शायद वहाँ ऐसा तब ऐसा होता होगा। तो एक टाइम को रिप्रेजेंट कर। और एक लास्ट में आपसे अपने फेवरेट पेंटिंग के बारे में पूछना चाहूँगी। sure. सामने है आई वांट टू नो कि, क्योंकि देखिए हमारा जो नजरिया होता है लाइक कॉमन पब्लिक का अलग होता है, आर्टिस्ट अपने अलग नजरिए से बनाते हैं। तो मैं जो सामने पेंटिंग लगी है उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि आपका क्या थॉट प्रोसेस था पेंटिंग को बनाने का? श्योर, जैसे आपने बताया कि आपकी फेवरेट पेंटिंग है और आपने टाइटल भी पढ़ा है लेडी इन रेड, तो लेडी इन रेड, तो रेड यहाँ जो कलर है ना वो स्ट्रेंथ को दिखाता है और लेडी मीन्स औरत,
तो ये एक औरत की जर्नी है, उसके नीचे वो बचपन से शुरू होती है, जो एक इनोसेंस होता है एक औरत, एक बच्ची में, एक लड़की में, उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। तो अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जगहों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, उन सब के साथ में मूव ऑन करती है लड़की। लेकिन ये जो बीच में जो औरत मैंने दिखाई है, ये उसका लाइफ का मिडिल एज है, ठीक है, और वो रेड कलर के साथ में उस ताकत को लिए हुए, वो सारे हर्डल्स को, लाइफ को क्रॉस करके वो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ के साथ में खड़ी है, है ना। और उसको ये भी पता है कि उसकी लाइफ का जो एंड है वो ये है, हर किसी की लाइफ का, लेकिन फिर भी वो ब्लैक कलर जो है स्ट्रगल्स को, डार्कनेस को दिखा रहा है, लेकिन व्हाइट कलर भी उसके शांति और वो सारी चीज़ें लाइफ में आती है उस सबको प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेन तो कलर थीम है, और वो सबको मूव ऑन करते हुए अपने अपने सारे जो उसके डर रहता है और सारे जो अप्स एंड डाउन होते हैं उसको फेस करते हुए आगे बढ़ रही है, अपने सर्कल को कम्प्लीट कर रही है, लाइफ साइकिल। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है प्रकाश सर, मैं आपको इनवाइट करूंगी और मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपको मैम का एग्जीबिशन कैसा लगा और आप क्या बोलना चाहेंगे। थैंक यू रचना जी, पहले तो मधु जी, मधु सिंह जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि एक बहादुर सिपाही की तरह उन्होंने 7 डेज में एग्जीबिशन अरेंज किया है, और ये सब देख रहे होंगे कि फ्रेमिंग और जो शो के लिए जो चीज़ लगती है वो मैडम ने अरेंज की, और मैडम की जो पेंटिंग्स में अलग खासियत है, जो हर कोई बनाता है पेंटिंग्स, हर कोई बनाता है, लेकिन जो थॉट्स, जो अपने थॉट्स होते हैं, लोग दूसरे के थॉट्स लेके पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन मैडम ने अपने थॉट्स लेके बनाए, जैसे गौरा शंकर है, तो ये मुझे पेंटिंग अच्छी लगी मैडम को, तो उसमें मैडम ने खुद के थॉट्स बनाए, क्योंकि उसमें शंकर जी भी दिखाए और उसमें गणपति जी भी दिखाए और सती जो माता है उनको भी दिखाया उन्होंने, तो काली के रूप में दिखाया, हाँ तो काली के रूप में दिखाया उन्होंने, और इसमें अलग वेराइटीज देखने जाएगी। और जैसे आप एक्चुअली पेंटिंग्स एक अगर एक बार ही समझ में आए तो पेंटिंग्स नहीं है, उसके सामने अगर कोई भी बंदा अगर 10 मिनट खड़ा स्टैंड बाय रहता है तो वो पेंटिंग है, क्योंकि वो सोचता है कि ये पेंटिंग में ऐसा क्या बनाया है, उस देखता है कि लाइन कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने कलर क्या यूज़ किया है, एक्चुअली उनका थॉट क्या है आर्टिस्ट का, वो सोचता है। ये ज़रूरी है कि आर्टिस्ट हर, जैसे इंडिया में जो आर्टिस्ट है वो करोड़ों में, मतलब तो करोड़ों में तो वो हर कोई अलग अलग वर्क बनाता है, लेकिन उसमें से गिने चुने लोग हैं जो एक मास्टरपीस निकालते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो हीरा वो लाखों सालों में एक बार वो निकलता है, वैसे ही इन्होंने, मैडम ने 10 साल की तपस्या के बाद एक मुसब हीरे कोहिनूर निकाले। बिल्कुल मैडम का जो रवैया है पेंटिंग के बारे में, वो उन्होंने उनको बताने की जरूरत ही नहीं पेंटिंग के बारे में, उनकी पेंटिंग ही सब कुछ बता दे रही। और मैडम को इस आर्ट जर्नी के लिए प्रकाश यादव की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसा ही आगे बढ़े मैडम, और जो इंडिया का नाम रोशन करें, क्योंकि इंडिया में ऐसी एक ताकत है जो आर्ट के लिए, जो अंग्रेज ढूंढ के आते हैं यहाँ पे कि हमें आर्ट चाहिए, ऐसी ताकत जैसे एम ए भूषण जी थे इंडिया के, जैसे हमारी लेडी एम ए भूषण जी, तो वो अंग्रेज ढूंढ के आए कि है वो वर्क, मधु जी है वो वर्क एंड 6 मंथ वेटिंग, मधु जी कहे कि 6 मंथ वेटिंग, अभी वेटिंग है रुक जाओ तो 6 महीने बाद पेंटिंग ले लो। तो इस तरह मैडम को फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट मधु जी, थैंक यू सो मच, और थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मधु मैम, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब अच्छा लगता है जब कोई लेडी आके इतना बड़ा एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन करती है, लाइक ऐसा नहीं है मेल फीमेल में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट कैसे हमारे जेंडर वाले ऐसे आगे आते हैं तो बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है, सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।